जय हिंद दोस्तों, आज की शॉर्टकट की हमारी कंट्रोल प्लस एफ का उपयोग क्या होता है और फाइंड, ढूंढना, खोजना क्या होता है वो आज हम देखने वाले हैं। और इसमें अलग अलग तरीके को भी देखने वाले हैं, क्योंकि ये इतने तरीके लोगों को, शायद बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन आज उन सभी तरीकों को हम क्लियर करने वाले हैं। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभिज्ञान AMC में, और मैं आपका दोस्त अभिनंदन गौर। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर आता है कंट्रोल प्लस एफ क्या होता है। तो कंट्रोल प्लस एफ ओपन फाइंड बॉक्स, मतलब ओपन फाइंड बॉक्स को करने के लिए काम में आता है, जिसमें फाइंड लेटर वर्ड्स को खोज बॉक्स खोलें लेटर शब्द ढूंढने के लिए। मतलब यहां से कंट्रोल प्लस एफ आप प्रेस करेंगे तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। फॉन्ट एंड रिप्लेस फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। अब इसके अंदर हम लिखने वाले हैं THE। जैसे ही हमने THE लिखा है, जैसे कोई चीज हाईलाइट करना है तो हाईलाइट कर लीजिए, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, इनकरेक्ट इनकरेक्ट इनकरेक्ट, तो ये इनकरेक्ट शब्द हैं। हमको क्या करना है कि जो शब्द हमने ढूंढे हैं केवल वो ही हो। तो कंट्रोल प्लस एफ से हमने क्लिक किया, तो इसको पहले तो क्लियर हाईलाइट करेंगे, यहां से फाइंड माइंड डॉक्यूमेंट करेंगे। अब यहां पर हमारा अदर किस काम में आ रहा है, हमने तो यहां पर THE लिखा हुआ है, या दिस क्या काम में आ रहा है, या दे क्या काम में आ रहा है, या देम देन, जो भी सारी चीजें सेलेक्ट हुई है वो हमारे कोई काम की नहीं। हमारे को शब्द क्या ढूंढना है, THE। तो आप यहां पर लिखेंगे, क्लिक करेंगे वर्ड फाउंड 26 आइटम, तो यहां पर आप क्लिक करेंगे मैच केस फाइंड मेन डॉक्यूमेंट, तो यहां पर कितने वर्ड हो गए हैं आपके। अभी देखिए मैच केस में तो एक भी वर्ड नहीं दिखा रहा है, तो यहां पर हम लिखेंगे THE, और यहां से फाइंड मेन डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे तो 24, 26 से हटकर कितना आ गया है, 24 पे आ गया है। अब 24 की जगह ये THEY भी आ रहा है, तो यहां पर हमने मैच केस तो कर दिया है कि जो जो मैच केस है वो हमारे को फाइंड कर दो, फाइंड कर दो। तो फाइंड करने के बाद में हमने यहां पर क्या किया, मैच केस को लगाया और फाइंड मेन डॉक्यूमेंट पे आपने क्लिक करा, फिर फाइंड बोल वर्ड ओनली, फिर मेन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करिए, तो यहां पर कितने आ गए हैं, 20 आ गए हैं। मतलब जो अदर था, देन था, दिस था, देन था, THEN, तो वो सारी चीजों को हटा दिया है, केवल THE को ही सेलेक्ट किया हुआ है। तो इस तरीके से आप जो आपने वर्ड लिए हुए हैं उनको आप उपयोग कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करिए। कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करने के बाद में आपने यहां पर THE दिया हुआ है, और यहां से आपने फाइंड मेन डॉक्यूमेंट में किया हुआ है, तो ये फाइंड आ गया है। लेकिन आपको ये नहीं चाहिए है तो आप यहां से फाइंड बोइल वर्ड ओनली पे क्लिक कर दो और मेन टेक्स्ट पे क्लिक कर दो, वो हट चुका होगा। लेकिन यहां पर आपका कोई एक शब्द लिखा होगा, जैसे कि मैं यहां लिख देता हूं THE, कैपिटल में THE लिखा हुआ, कंट्रोल प्लस एफ हमने प्रेस किया हुआ है, और यहां पर हम वही चाहिए है कैपिटल THE, मतलब पर्टिकुलर जो वर्ड आपने लिखा हुआ वही का वही चाहिए है। तो मैच के पहले तो आप फाइंड कर लीजिए, इतने सारी जगह हो रहा है, 21 हो गया है क्योंकि एक और आ गया है। अब मैच केस पे क्लिक करिए। मैच केस पे क्लिक करने के बाद में आप करेंट सिलेक्शन के अंदर कितना आइटम आ रहा है आपका दोस्तों, सिर्फ 1 आइटम। मतलब आपको ये भी समझ में आ गया है कि मैच केस में क्या होगा, जो लिखा हुआ एज इट इज वही का वही शब्द आपका सेलेक्ट करने के लिए मैच केस का उपयोग होता है। फाइंड बोइल वर्ड ओनली में क्या होता है कि जो THE लिखा हुआ वो कैपिटल है, स्मॉल है, फुल कैपिटल है, कैपिटल ईच वर्ड है, जो भी है आपके 5 प्रकार का जो भी लिखा हुआ है वो सेलेक्ट करेगा। लेकिन मैच केस में जो एज इट इज जो लिखा हुआ वही का वही सेलेक्ट करेगा। तो फाइंड क्या होता है, ढूंढने के लिए होता है, शब्दों को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए कंट्रोल प्लस एफ का उपयोग करते हैं। और उसमें मैच केस में क्या होता है, जो लिखा वही का वही, और फाइंड वर्ड वर्ल्ड में THE। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और देखते रहिए अभिज्ञान AMC। जय हिंद, वंदे मातरम।